ने बताया कि जो रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं वो अपने आकाओं के गुलाम होते हैं और वोट उसी क्षेत्र से लेते हैं, जो रिजर्व से जो सीट है वो भी दलित हैं और जो बहुजन के लोग हैं उन्हें वोट देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा विचार ये है जो आपने अभी बात रखा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, एक तो वो हथियार लेके चलना बंद कर दें, अगर उनको देश से प्यार है। वो जो हथियार लेके चल रहे हैं, तलवार लेके चले, वो किसको मारने के लिए चल रहे हैं? अशोक ने अब से 2-3 हजार साल पहले हथियार फेंक दिया था। अगर अशोक हथियार नहीं फेंकता तो आज क्रांति काट के लोग, दलित समाज के लोग बुरका बनाते थे लोगों का। इसके उनको आगे ये है कि वो सबसे पहले हथियार लेके चलना बंद कर रहे, वरना हम भी हथियार लेके चलना शुरू कर देंगे। बाबा साहब ने कहा था, हे मेरे समाज के लोगों, जो मैंने संविधान बनाया है इसे अगर आप आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसे पीछे भी मत हटने देना। आज मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि सबका विकास सबका साथ, वो उनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। जो अकॉर्डिंग डिप्लोमेसी के वो हमें गुमराह करना चाहते हैं, और हमारे समाज के लोग जो हैं डिप्लोमेसी, मीडिया और साइकोलॉजी से बहुत दूर वंचित हैं। हमारे समाज के लोगों को पहचान नहीं है, और जैसे बीएसपी पार्टी डाउन हुई है तो उससे उन्होंने देखा कि अब तो डाउन होगी तो हम सबको गिरा देंगे, मतलब उनको ये गलत फहमी है। मायावती इज नॉट बॉटम लाइन, मायावती से आगे बहुत मायावती पैदा हो गए, मतलब आज की डेट में चंद्रशेखर पैदा हो गया, वो किसी को दिखाई पड़े नहीं पड़े, लेकिन चंद्रशेखर ने जन्म ले लिया है और ये क्रांति के बीच हो गया है। इसलिए मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म के लोग, शंकराचार्य ब्राह्मण हथियार लेके चलना बंद कर दे। आप जरा इसको दिखा देना ढंग से जो है। धन्यवाद। धन्यवाद।